Assalamualaikum viewers, कुछ मालूमात पाकिस्तानियों के नाम। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के तमाम मंसूबे तैयार थे। गवादर पोर्ट सी पैक को तबाह करने का हर हरबा कामयाबी की तरफ गामजन था। अब पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ लाने के लिए इंडिया के पास एक ही हथियार था, जिसे आप सब जानते हैं, कश्मीर, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा तनाव का बाइस रहा है। अब कश्मीर पर 370 लगाने के बाद इंडिया, अमेरिका और इसराइल फुल तैयारी में थे कि जैसे ही पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आए, पाकिस्तान को तीन जगहों से मारा जाए और सबसे पहले गवादर पोर्ट को तबाह किया जाए, जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए ऊपर ले जाने वाला है। अमेरिका और इसराइल ने इंडिया में एयरबेस भी बना ली थी, जिससे वो पाकिस्तान पर तीन एतराज से हमला करना चाहते थे, लेकिन वो भूल चुके थे कि एक और शख्स है जो उन पर नज़र रखे हुए है, जिसे मारखोर कहते हैं। जब मारखोर ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस को यह खबर दी, तो पाकिस्तान ने भी तैयारी पकड़ ली। कुछ ही अरसे बाद जब जम्मू कश्मीर में 370 लगाया गया, तो पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पर लाया जाने लगा। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी दुश्मनों से लड़ने और उनको पहचानने में मसरूफ था। एक तरफ कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ लाने वाले मसरूफ़ अमल थे, तो दूसरी तरफ पाक आर्मी के ख़िलाफ़ गलत नारे लगाने वाले और पाकिस्तानी अवाम को पाक फ़ौज का दुश्मन बनाने वाले मसरूफ़ अमल थे। ऐसे में मौजूदा वक्त के वज़ीर आज़म के पास एक ही रास्ता था कि करीबी दोस्तों से मशवरा किया जाए, क्योंकि वह करीबी दोस्त सी पैक पर अरबों की इन्वेस्ट कर चुके थे। जैसे ही पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आता, सी पैक कई साल के लिए रुक जाता और यूं दुश्मनों की हर चाल कामयाब होती। इसी कश्मकश में करीबी दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप अक्वामे मुत्तहदा की तरफ रुजू करें, ताकि दुनिया भर के ममालिक को पता लग सके कि पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को जंग की तरफ लाया जा रहा है। और इसी बिना पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वामे मुत्तहदा में इस बात का ऐलान किया कि अगर जम्मू और कश्मीर से 370 ना हटाया गया, तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको होगा वो है इंडिया। इस वक्त इंडिया, इसराइल ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान कमज़ोर पड़ चुका है और अक़वामे मुत्तहदा का दरवाज़ा खटखटा रहा है, मगर वो भूल चुके थे एक प्लान पाकिस्तान भी बना रहा है, और वो प्लान था लद्दाख की तरफ से दुश्मन को तैश दिलाना और नागालैंड और खालिस्तान की तहरीक को हवा देना और नेपाल को हकूक दिलाना। इंडिया जिन तीन अतराफ से पाकिस्तान को मारना चाहता था, पाकिस्तान ने उन्हें तीन अतराफ पर कब्ज़ा जमा लिया। अब लद्दाख भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, नेपाल भी इंडिया का दुश्मन है, तो खालिस्तान भी बहुत जल्द इंडिया को धूल चटाने वाला है। और जैसा कि अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऐलान किया है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, तो ये वो पैंतरा था जो पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में बहुत समझदारी से खेला। अब इंडिया चार एतराज़ से फंस चुका है। चाइना, जो कि इंडिया को निगलने के लिए हर वक्त तैयार है, वहीं नेपाल ने भी इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, और खालिस्तान तहरीक ने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया है। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी गिरी हुई मईशत को उठाने में लगा हुआ है। जब तक इंडिया तीन तरफ की जंग से निकलेगा, तब तक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर बन चुका होगा, जिससे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, कहानी तो बहुत लंबी है, बस आपको मुख्तसर में बात समझाई है कि सब्र करके बैठें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और इंडिया का गरूर भी खाक में मिल चुका होगा।
आप लोग पाकिस्तान इंटेलिजेंस से ज़्यादा नहीं जानते, कौन सा दुश्मन कहाँ छुपा है और क्या प्लान कर रहा है, ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस खूब जानती है। इसलिए पाक आर्मी के ख़िलाफ़ किसी गलत प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। जो लोग पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं वो भूल चुके हैं कि इराक, अफगानिस्तान, शाम, लीबिया का क्या हाल किया गया। जहाँ कौमें अपने मुहाफिजों के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो जाएं, वहाँ शाम और इराक जैसा हाल होता है। अपने मुल्क के मुहाफिजों पर यकीन रखें, वो आपको कभी किसी जंग में हारने नहीं देंगे, ना ही दुश्मनों के मंसूबों को कामयाब होने देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान के गैब से मदद करे और पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों को नेस्त नाबूद करे और पाकिस्तान को ताक़यामत कायम कायम रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।